क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। केशव से मिलने पहुंचे दिव्यांग को पुलिस ने घसीटा, सुल्तानपुर पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव। वाराणसी में 5-6 नवंबर को घाट पर होगा गंगा महोत्सव, कमिश्नर बोले बगैर लाइफ जैकेट से नहीं चलेगी एक भी नाव। कानपुर कमिश्नरेट और आउटर की खाकी पर दाग, वसूली और चोरी जैसे गंभीर आरोप। आगरा में सादी वर्दी में दबिश देने गई पुलिस पर हमला, 20 सड़क जमकर हुआ हंगामा, होटल संचालक समेत 2 हिरासत में। हरदोई में तालाब में डूबने से मासूम की मौत, आटा चक्की के पास खेल रहा था, अचानक पैर फिसलने से तालाब में गिर गया। मुरादाबाद में पुलिस वालों की पिटाई, वर्दी फाड़ी सिपाही बोला हमलावरों ने जान से मारने के लिए मेरा गला दबाया। आगरा के स्कूल में धरना दे रही शिक्षिका, बच्चों को रात में उठाया दिव्यांग शिक्षिका, बोली पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की। नोएडा में शराबी युवक ने मामा को दी लूट की झूठी सूचना, मामा ने थाने में दर्ज कराया केस, मामला निकला फर्जी। चित्रकूट में संयुक्त जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर, 17 को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर रक्तदान का मनाया जाएगा। लोनी विधायक ने अधिकारियों पर लगाया आरोप, बोले डकैत बनकर प्रदेश में लूट रहे सरकार, कोई भी राज इन्हीं का रहता है। पीलीभीत में नशे में धुत सिपाही सड़क पर गिरा, खाकी हुई शर्मसार, राहगीरों ने अस्पताल में कराया भर्ती। लापरवाही को लेकर हटाए गए पीओ हुड्डा, बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री से की थी शिकायत। फरुखाबाद बारिश से तालाब बनी शहर की सड़कें, जलभराव से शहर के प्रमुख मार्ग पर लगा जाम। सुल्तानपुर में साइबर सेल को मिली कामयाबी, 3 लोगों के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड, अकाउंट में लौटाए गए 3 लाख रुपए। कानपुर में जलभराव से डूबने से 2 की मौत, जूही खलवा पुल के नीचे डूबने से युवक की मौत। रायबरेली में लापता छात्राएं, मुरादाबाद में मिली पदावत एक्सप्रेस से, दोस्त के साथ दिल्ली जा रही थी दोनों छात्राएं। उन्नाव में कच्चा मकान गिरने से 3 बच्चों की मौत, 2 भाई और 1 बहन सो रहे थे साथ, मां की आंखों के सामने गिरी दीवार। रायबरेली में तेज बारिश से गिरा घर, मलबे में दबकर 3 गंभीर रूप से घायल, 1 की मौत। बहराइच में बोरिंग टेक्नीशियन ने ली 3,000 रुपए घूस, बोला पैसा दो या खुद काम करो, अफसरों ने किया निलंबित। हाई टेंशन लाइन के टावर पर चोरी करने चढ़ा चोर, खुद पुलिस को फोन करके दी जानकारी, बोला फंस गया हूं, बचा लो।
नोएडा में 12 साल की बच्ची ने किया सुइसाइड। यूट्यूब पर अपनी बीमारी का देखा था वीडियो, लाइलाज समझ लगा ली फांसी। हाथरस में बच्चे ने रची अपहरण की साजिश, बोला मेला देखने गया था, घर डांट पड़ती इसलिए बताई झूठी कहानी। बरेली हाईवे डिवाइडर से टकराई बाइक, बदायूं के रहने वाले युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। देवरिया में गौरी बाजार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की 12 बाइक समेत एक गिरफ्तार भेजा गया जेल। बारिश में मकान गिरने से बेटे की मौत, माता पिता घायल, झांसी में 1.5 घंटे तक मलबे में दबे रहे माता पिता और पुत्र। लखनऊ में बारिश से दीवार गिरी, 9 की मौत, दीवार के सहारे झोपड़ी बनाकर रह रहे थे मजदूर, सोते वक्त हुआ बड़ा हादसा। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने 2 दिन में खंगाले 19 मदरसे, 11 बिंदुओं पर ली जानकारी, नाम से लेकर फंडिंग तक की पड़ताल। बीमारी से परेशान हुआ युवक, ट्रेन से कटकर मौत, रायबरेली से मृतक का पिता बोला सुबह से घर से था लापता। सीतापुर में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विरोधियों पर साधा निशाना, बोले उल्लू को सिर्फ अंधेरा ही पसंद। गाजियाबाद में पत्रकार को सरतन से जुदा करने की धमकी, विदेशी नंबर से आई कॉल मैसेज, लिखा स्टॉप प्रोपेगेंडिंग एजेंडा, अरेस्ट इस्लाम। अलीगढ़ में पूर्व विधायक जमीर उल्लाह का बड़ा बयान, कहा बकरों की खाल व 2.5% जकात से चल रहे हैं मदरसे। अंबेडकर नगर में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कहा अखिलेश यादव को मानसिक बीमारी है। अमेठी में बिजली पानी के बीच में पढ़ाई जारी, जलभराव और हाई टेंशन तार बन रहा मौत का कारण, किसी भी समय हो सकती है बड़ी दुर्घटना। अलीगढ़ के जिमों में नकली सप्लीमेंट में युवाओं के साथ हो रहा खिलवाड़, बॉडी बिल्डिंग के नाम पर परोसा जा रहा नकली सप्लीमेंट। दीपोत्सव के पहले अयोध्या को राममय करने की तैयारी शुरू, 23 अक्टूबर को रामनगरी में मनाया जाएगा भव्य दीपोत्सव। बुलंदशहर में गौकशों से स्वाट टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस की हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 2 गौकश गिरफ्तार। चंदौली में अनियंत्रित ट्रक ने स्कॉर्पियो और बस को मारी टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल। फरुखाबाद में फैमिली कोर्ट के बाहर पति पत्नी ने जमकर चले लात घूंसे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गाजियाबाद में दोस्तों ने अपने ही साथी को हिंडन में डुबोकर की हत्या, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 3 साथियों पर दर्ज किया मुकदमा। गोंडा में सरकारी अस्पताल के टीकाकरण के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा, बिना वैक्सीन लगे भेजे जा रहे मैसेज। कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक में करेंसी चेस्ट में रखे सड़ गए 42 लाख रुपए, मामले में बैंक के 4 अधिकारी सस्पेंड। गोंडा में पुलिस कस्टडी में मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, एसपी ने मामले में कार्रवाई का दिया निर्देश।
लखीमपुर खीरी में हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने परिजनों को दिया आश्वासन, परिजनों ने दोनों बहनों का किया अंतिम संस्कार। लखनऊ के पारा क्षेत्र में फिर चला बाबा का बुलडोजर, एसडीएम सरोजनी नगर सिद्धार्थ सिंह, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। महाराजगंज में अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा पर दर्ज हुआ केस, धार्मिक भावनाओं के आहत पर अधिवक्ता ने परिवाद किया फाइल। लखनऊ में दहेज हत्या की भेंट चढ़ी बेटी, इंसाफ मांगने लखनऊ पहुंचा परिवार, पुलिस पर पीड़ित परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। प्रतापगढ़ में मानव संसाधन पॉलिसी लागू न होने से आक्रोशित कर्मचारी हड़ताल पर, कर्मियों ने कार बहिष्कार की चेतावनी। लखनऊ के मोहनलालगंज में नगर पंचायत की खुली पोल, भारी बारिश के पूरे क्षेत्र में हुआ जलमग्न। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में छात्र ने निकाला मशाल जुलूस, सैकड़ों की संख्या में छात्र रहे मौजूद। सीतापुर में ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य पर लगाया मिड डे मील, अनाज बेचने का आरोप, डीसी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। अंबेडकर नगर में सभी विद्यालय को अवकाश घोषित करने के दिए निर्देश, बारिश के चलते लिया गया फैसला। अमेठी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। अयोध्या में प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई, धमकी देने का वीडियो वायरल, जन सूचना मांगने पर घर पहुंच कर दी धमकी। बुलंदशहर जिला न्यायालय में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, कोर्ट परिसर में खड़े वाहनों की हुई चेकिंग, संदिग्धों की भी की गई तलाशी। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने मुख्तार अंसारी के मकान को किया कुर्क। बुलंदशहर में एसएसपी श्लोक कुमार ने सब्जी की गुणवत्ता का जाना सच, भोगने में चला रहे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में टॉर्च के सहारे अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं, गंभीर मरीजों का टॉर्च के सहारे मरीजों का हो रहा इलाज। लखनऊ के हजरतगंज में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के साथ आग पर पाया काबू। हमीरपुर में हैवानियत करने वाले अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, अपराधियों के अवैध निर्माणों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। लखनऊ के एयरपोर्ट बाहर हुआ जलभराव, एयरपोर्ट जाने वाली रोड में हुआ जलभराव, जलभराव के कारण आने जाने में हो रही समस्या। लखीमपुर खीरी में बारिश और तेज हवाओं से किसानों की फसलों को पहुंचा काफी नुकसान, कुदरत की मार से किसान बेबस। लखनऊ में करंट लगने से युवक की मौत, जलभराव के कारण खंभे में उतरा करंट, गाजीपुर थाना क्षेत्र के पटेल नगर का मामला। लखीमपुर खीरी के दो सगी बहनों की मौत के मामले में हिंदू जागरण मंच ने डीएम को दिया ज्ञापन, आरोपी
यो गैंगस्टर की हो कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गांजे की बड़ी खेप में दो गांजा तस्कर को किया क्या गिरफ्तार। लखनऊ में बीजेपी एमएलसी का वीडियो हुआ वायरल, जलभराव के कारण ट्रैक्टर से निकले एमएलसी पवन सिंह चौहान। बुलंदशहर में लखीमपुर कांड को लेकर आरएलडी का हल्ला बोल, रालौद कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में जलभराव का महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया निरीक्षण, जल निकासी के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को लात घूसों से जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। प्रतापगढ़ में 16 सितंबर को होगा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। श्रावस्ती में एनएच 730 पर हुआ भीषण सड़क हादसा, हादसे में चालक समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत, दो गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में दीवार गिरने के मामले में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने घटना का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था देने के दिए निर्देश। औरैया में नशे में धुत युवक और महिला के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस के अनुसार अभी तक नहीं मिली कोई तहरीर। गोरखपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया जोरदार स्वागत। औरैया में सर्राफा व्यापारी के साथ हुई टप्पेबाजी, लाखों रुपए के जेवरात लेकर टप्पेबाज हुआ फरार, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।